कितनी बड़ी परेशानी में है, वाहन क्यों नहीं मिल पा रहा है उनको? जी साहब, वाहन मिल लेना है, बहुत दूर से आए हम, मथुरा से आगे 40 किलोमीटर अगारे से आए हम। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि धानों कट रहे हैं, धानों में पानी भर रहा है और हमें वाहन नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत का। मतलब पहले आगरा था जब हमने दिया नहीं था, अब यहाँ पर आना पड़ा है। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि कुछ कह नहीं सकते हैं आपसे, इतनी मतलब परेशान इतने हैं कि बहुत ज़्यादा नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। नहीं कह रहा हूँ, अभी आप परीक्षा देने आए रोडवेज बस स्टैंड पे हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, वाहन नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत? हाँ सर, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, वाहन नहीं मिल रहे हैं, सुबह से मतलब बहुत परेशान रहते हैं, वाहन नहीं मिल रहा है। 5 बजे से बैठे हैं हम उस पर बस स्टैंड पर, 5 बजे से हमें वाहन नहीं मिले, हमें 9 बजे जाके बस मिली है, 9 बजे से अब आए हैं। मथुरा के पास ही, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप परीक्षा देना है? आप परीक्षा देना है? कहाँ से आए हैं? मथुरा से। अच्छा, क्या दिक्कत है सर? वाहन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? क्या वाहन तो मिल रहे हैं, पर अब मथुरा के लिए दूसरी बस नहीं है तो इंतजार करना पड़ेगा। वैसे योगी जी ने बहुत सुविधा कर दी है वाहनों की, शाम को आए थे तो हमको बस मिल गई थी मथुरा से, तो वाहन फानों की तो कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं है। यहाँ तो सर अभी बस नहीं है कोई मथुरा के लिए दूसरी, अभी देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं अब देखा जाएगा, व्यवस्था बनाएंगे, कोई अलीगढ़ तक चले जाओ, अलीगढ़ से मथुरा के लिए पकड़ लेना बस। अच्छा, डायरेक्ट मथुरा के लिए नहीं है, पहले अलीगढ़ आपको जाना पड़ेगा, अलीगढ़ से फिर आपको वहाँ शिफ्ट होना। हाँ, एक बस थी वो भर गई, उसमें सीट नहीं थी, इसमें तो वो चले गई है। जब आप रात को आए थे तब क्या स्थिति थी? सर रात को आए थे तो रात को तो हम ऐसे उतरे थे यहाँ 12 बजे के आसपास, तो हम ऐसे ही बस स्टैंडों पर और ऐसे ही सोना पड़ा हमको। कहाँ से हैं? होटल नहीं मिल पाया? होटल तो नहीं मिल पाया। तो कहाँ रहे आप? सर अब हम जा रहे थे बस स्टैंड पर सोए, जहाँ हमको सर्दी सी लगी, तो एक लाइब्रेरी है मन्नू भाई के नाम से, वो भाई है, उसने कहा था आ जाओ यहाँ सो लो, उन भाइयों ने सुनाए थे हमको। अच्छा, लाइब्रेरी में सोना पड़ा? हाँ, लाइब्रेरी में सोना पड़ा, उन भाइयों ने हमको कहा आप जान ले लो शरण, बहुत बच्चे थे वहाँ मथुरा के, वो लाइब्रेरी भर रही थी, मतलब बच्चे सो रहे थे। अच्छा, लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैं ये और जानना चाहता हूँ, हाँ बोल सर, कि इसके अलावा भी आपने अन्य परीक्षाएं दी हैं? नहीं सर, पहली परीक्षा है पेट की। अच्छा, पेट की नहीं, इसके अलावा और विभागों की जो परीक्षा? नहीं सर, अभी एज हुई है मेरी तो पहली परीक्षा देने। तो लगभग लाइब्रेरी में कितने लोग रहे होंगे? सर लाइब्रेरी में तो मतलब थे 50-60 बच्चे होंगे आराम से। अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर? हाँ। तो फर्श पे सो रहे थे सब? हाँ, फर्श पर सो रहे थे। अच्छा, तो बड़ी समस्या है यार। समस्या रुकने की व्यवस्था नहीं है और खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है ऐसी। तो खाना मिल गया था आपको? खाना तो हम घर से लेके आए थे रात को, तो वो ही खा लिया, आप सुबह यहाँ पर वो बिरयानी खाई है और ऐसे ही है। अच्छा, वेज बिरयानी? हाँ, वेज बिरयानी। क्या नाम है आपका? महेश। और सर अभी बहुत दूर जाना है, अभी यहाँ से बस भी नहीं है हमारी, और पेट तो करा देते हैं, वैकेंसी भी नहीं निकालते हैं इससे। चलो, वैकेंसी का क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पेपर देने आए थे। गाड़ी मिली? मिली, गाड़ी मिल गई। तो कहाँ मिली? मथुरा से आए अभी। अच्छा, मथुरा से परीक्षा देने के लिए? परीक्षा देने के लिए। आप अभ्यर्थी हैं? अच्छा, तो यहाँ पे हैं, कब से हैं, इंतजार कर रहे हैं? इंतजार नहीं कर रहे, अभी तो सेंटर से आए हैं। सेंटर से आए? हाँ, अलीगढ़ जाना, अलीगढ़ के लिए बस लगी हुई है। अच्छा, अलीगढ़ के लिए बस है। अच्छा, दिक्कत उन लोगों के लिए है जो मथुरा जा रहे हैं, पहले उनको अलीगढ़, उसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी बुलंद शहर से खुजा से वहाँ पे जा रहा हूँ, जलेश्वर रोड अपने स्टेशन पर। रेलवे यहाँ क्या स्थिति है, रोडवेज तो मिल गई कि नहीं मिली? अभी देख रहे हैं, मथुरा वालों को आने में भी दिक्कत थी और जाने में भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत है कि बस नहीं लग रही है फिलहाल, तो उधर से आए थे, उधर से करीब करीब 4 बजे निकले थे, सुबह में 4 बजे निकले थे और 8 बजे जाके बस मिली है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, मतलब आने में न कोई बस वगैरह भी एक आध दो ही लगी हुई थी जो मथुरा स्टैंड पे। ये दावा था जी, जहाँ जहाँ पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, बिल्कुल वहाँ पर रोडवेज की बसों का चक्कर बढ़ा दिए गए हैं और बसों की संख्या भी बढ़ा दी गई जी, वो तो उसका कहीं असर दिखा आपको? जी, हमें असर नहीं दिखा, जब आप मान लो कि 3 घंटे में एक बस मिली है सुबह से खड़े हुए गए, तो कहाँ से असर है? और बच्चे मतलब करीब करीब मतलब 100-200 बच्चे राया है उस राय कस्बा में, करीब 100-200 बच्चे वेट कर रहे थे, बट बस का आने का कोई मतलब नहीं, 3 घंटे में बस आई थी।
तो कहाँ बस है आप भी बताइए। अच्छा, रोडवेज के कर्मचारी जो अधिकारी भी हैं वो मेरे साथ हैं जी, समस्या लोग बता रहे हैं। हाँ, जो मतलब? डायरेक्टली जो मथुरा की बस है मतलब वो नहीं मिल पा रही है। सामने खड़ी सर, आप देख लो ना, आप मुझे बता दीजिए क्या स्थिति। ये गाड़ी मथुरा डिपो की गाड़ी ये खड़ी है, गाड़ी नंबर है UP 85 AT 6696 मथुरा डिपो खड़ी। एक गाड़ी हमारी लगी 34:10 लग रही है। अच्छा, अभी लगी होगी। हाँ लगी है, स्टैंड पे लगी है। अभी लगी होगी, जब नहीं लगी होगी जब कब नहीं, अभी तो आए बिल्कुल। ये इनका 12 बजे पेपर छूटा है और 12:15 तक यहाँ है, 12:30 बज रहे, 15 मिनट हुए, 15 मिनट हुई है बस। तो ये मेरे कुछ साथ हैं अभ्यर्थी, क्या नाम है आपका? सुभाष। तो आप यहाँ कितने बजे पहुँचे? 3 बजे रात के। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत कोई नहीं हुई, रात को आए और जैसी जगह मिली वहाँ सोए हैं, पड़े हैं। और क्या? अच्छा, कहाँ पर आप? कहाँ पर? ये टेबल या कुर्सी है यहाँ पे, ये बेंच बना रखी है ऑलरेडी, इस पे बैठ के। अच्छा, तो जहाँ जिसको मतलब जगह मिली वो वहीं उठे। आप पेरेंट हैं, रोडवेज के कर्मचारी हैं, कहाँ रहे आप? तो चश्मदीद होंगे। हम तो सुबह को आते हैं, शाम को चले जाते हैं, हमें नहीं पता रात की। अच्छा, रात का पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीशपाल है। अच्छा शीशपाल जी, आप कब आए यहाँ परीक्षा देने? हम लगभग 8:30 बजे से आ गए थे रात को यहाँ पर। अच्छा जी, फिर रहने की क्या व्यवस्था थी यहाँ? रहने की व्यवस्था सर यहाँ पर लोग सोए हुए थे, ये सारा वो ये स्थान है सारा हुआ लोगों से घिरा हुआ था। अच्छा, रोडवेज का ये फर्श? हाँ हाँ, ये सारा रोडवेज का जो फर्श है ये लोगों से घिरा हुआ था, सारे लोग यहाँ सोए हुए थे। और जो जिनको जगह यहाँ पर नहीं मिली वो बसों में सोए थे या और रोडवेज के बसों। हाँ, और टहल इतने तो इधर उधर टहलने और टहल के रात में गुजारी थी उन्होंने। अच्छा, खाने की क्या व्यवस्था रही? खाने की व्यवस्था सर यहाँ पर दुकान वो खुली हुई थी, वहीं से लेकर खाया था। हाँ, और उसके बाद मतलब 11-12 बजे के बाद तो फिर सारे मतलब पुलिस वालों ने सारी दुकान वगैरह सब बंद करवा दी थी। उसके बाद में खाने वाने की? उसके बाद में तो कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिन्होंने रोडवेज के अंदर सोए हों, उन्होंने आराम? हाँ, काफ़ी लड़के थे जिन्होंने जो रोडवेज के अंदर लेटे थे। अच्छा हाँ, कितने बजे आए आपका परीक्षा देने? आए ना जी सर। कितने बजे आए थे? मैं आया था धूम्रपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, रात में हम 11 बजे उतरे थे। अच्छा, फिर कैसे कैसे यहाँ? फिर रात में स्टेशन पर रुके, वहीं पर रेलवे स्टेशन, मच्छर भी लग रहे थे, उसके बाद वहीं फर्श पे बैठे लेटे। हाँ जी, पूरी रात फर्श पे बैठे बैठे उतार दी। उसके बाद यहाँ से हम 20-20 रुपये दे के ट्री के लिए अपने अपने सेंटर पे पहुँचे, पेपर दे के फिर यहाँ पे आए। अच्छा, आप क्या स्थिति? अब तो गाड़ी मिल रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरवीर सिंह। क्या नाम है? हरवीर सिंह। अच्छा हरवीर सिंह, ये बताओ आप कितने बजे यहाँ बुलंदशहर पहुँचे थे परीक्षा देने के लिए? आप पहुँचे हैं कहाँ आपने रात बताई? हाँ, यहीं पे रोडवेज में बताई सर। अच्छा, रोडवेज में यहीं रहे? तो क्या आपके साथ कुछ और लोग भी थे? हाँ, 6-7 लोग थे। अच्छा, यहाँ आपके ग्रुप के? हाँ जी। इसके अलावा और भी लोग होंगे? हाँ, बहुत है, सारा भरा पड़ा था। अच्छा, ये जो फर्श है? हाँ जी। ये तमाम का तमाम भरा हुआ था, जगह थी नहीं? हाँ, पूरा भर रहा। तो और कोई परेशानी हुई इसके अलावा रहने? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है वैसे तो। मेरा नाम ऋषिराज पाठक है। अच्छा, कैसे यहाँ पहुँचे और मैं क्या परेशानी है? मथुरा से चला था 11 बजे, यहाँ करीब 4 बजे आया, सुबह 4:30 बजे करीब आ गया मैं यहाँ पे। मैंने खड़े हो के ही बताया 4-3 घंटा, फिर उसके बाद थोड़ा बैठा मैं, फिर पढ़ाई की, फिर अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी मेरा 3 बजे का पेपर है अभी मेरा। सेकंड पाली में? यस। तो ये अभ्यर्थी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक परीक्षा की पात्रता को पार करने के लिए उन्हें एक परिवहन व्यवस्था की परीक्षा भी पार करनी पड़ी। शानवा चौधरी, न्यूज़ चलेगा।